मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस साल सभी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी की है। तो आखिर में जानते हैं कि कौन सी शिक्षण संस्थानों को कौन सी रैंक मिली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस साल देश के सभी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी कर दी है। इस लिस्ट में IIT मद्रास को नंबर 1 पर जगह मिली है। ऐसे में IIT मद्रास देश का सबसे बेहतर संस्थान साबित हुआ है। इस सूची में दूसरे नंबर पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरा स्थान IIT दिल्ली को मिला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग की शुरुआत साल 2015 में जारी की थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को 10 श्रेणियों में इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। आर्किटेक्चर संस्थानों में IIT खड़गपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लॉ संस्थानों में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और डेंटल संस्थानों में दिल्ली के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पहले स्थान पर आया है। प्रबंधन संस्थानों में IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है और जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 10वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि ये रैंकिंग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों में 5 मानकों के आधार पर उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। संस्थानों का मूल्यांकन 5 व्यापक मानकों शिक्षण और संसाधन, अनुसंसाधन और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और विशिष्टता और धारणा के आधार पर होता है। 3,771 संस्थानों ने रैंकिंग में शामिल होने के लिए 5,805 आवेदन दिए थे। इन संस्थानों में 294 विश्वविद्यालय, 1,071 इंजीनियरिंग संस्थान, 630 प्रबंधन संस्थान, 334 फार्मेसी संस्थान, 97 लॉ संस्थान, 48 आर्किटेक्चर संस्थान और 1,659 सामान्य डिग्री कॉलेज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।